हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल वी। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, मैं काफ़ी टाइम से शूट करने की कोशिश कर रही थी, पर चीज़ जो मैंने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया और मुझे भी डिले होता ही गया। और इसी बीच सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिससे मैंने ये सारी चीज़ें मंगाई हैं शॉपी से मैंने शॉपिंग की है। आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से परचेज की थी। तो वो जो शॉपी ऐप है या शॉपी जो कंपनी है वो इंडिया छोड़ के चली गई है, ठीक है। तो फिर इंडिया से वो जा चुकी है वो कंपनी, पर मुझे काफ़ी डिले होता गया इस वीडियो के लिए और फिर वो चली भी गई। तो पर मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बार मुझे बता देना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं और शॉपी जो ऐप है वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या चीज़ें उस पर अच्छी थी, अवेलेबल थी और अच्छे प्राइस पर वो मिली। जो शॉपी ऐप अगर अभी होता तो उस पर इतनी सारी अच्छी डील्स चलती हैं, इतने सही प्राइजेस उस पर रहते हैं, तो आप अगर उस पर शॉपिंग करते तो शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। कि मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से परचेज़ की हैं और मुझे काफ़ी किफ़ायती और अच्छा लगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, स्टार्ट इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक टॉप से। क्रॉप टॉप है, ब्लैक कलर का ये क्रॉप टॉप है। ये इसकी स्लीव्स हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी लेंथी इसकी स्लीव्स हैं। और यहाँ पे एक बेल्ट जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे आजकल चल रहे हैं टॉप्स। तो ये इसकी प्राइस आप गैस करें तो इसकी प्राइस क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 175 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा है। और इसका जो कपड़ा है मतलब कॉटन भी नहीं है, साटन भी नहीं है, कुछ मिक्स इसका कपड़ा है, हल्का सा शाइनी है, शाइनी सा ये लुक देता है। इसको ख़रीदने की ज़रूरत मुझे कहाँ पड़ गई, तो आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, कॉलेज कल्चर वाला जो ब्लॉग है, उसमें मैंने जो साड़ी पहनी थी तो उसके साथ के लिए मेरे पास कोई ब्लाउज ही नहीं था। तो फाइनली बोला, मतलब मुझे सजेस्ट किया गया कि ब्लैक कलर का ब्लाउज होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसको ब्लाउज को लेने से अच्छा है कि मैं शॉपी से इसको परचेज कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छे दाम में ही मुझे मिल गया, हालांकि ये थोड़ा लेट आया इस वजह से मैं इसको नहीं पहन पाई, बट इट्स ओके, लुक सो ग्रेट, सो अच्छा अच्छा। और अगर आपको ये कहीं और मिलता है तो आप इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा, 175 में इट्स वर्थ इट, बहुत अच्छी। दूसरी चीज़ जो मैंने मंगाई है और मैं काफ़ी इसको यूज़ करी, मतलब जब से मैंने इसको मंगाया है शायद कुछ ही दिन ऐसे होंगे जब मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, रोज़ मैंने इसको पहना है और ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये है आपके शॉर्ट्स, काफ़ी अच्छे से ये शॉर्ट्स है। इसका कलर जो है वो मुझे बहुत प्यारा लगा, इसके कलर पर ये जो डिज़ाइन बनी हुई है फ्लावर्स की, ये बहुत सुंदर है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं इसको पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। अभी तक तो इसको कुछ नहीं हुआ है, 1.5 महीने से ऊपर हो गया इसको शायद। और इसके साथ एक बेल्ट भी आई थी, हाँ इसके साथ बेल्ट भी आई थी इस तरह की, और इसको मैं फिलहाल तो बालों में ही लगा लेती हूँ, इसको मैं बालों में बांध लूँगी। तो ये इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी है वो है आपके 113 रुपीज़, यानी 113 रुपये का ये मुझे शॉर्ट मिला है। मार्केट प्राइस से भी बहुत कम है, मार्केट में भी शायद ऐसी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, 113 रुपी में ऐसी क्वालिटी मिलती, हाई क्वालिटी मिलती है, कॉटन सॉफ्ट कपड़ा मिलता है। ये कॉटन भी नहीं है, ये साटन भी नहीं है, ये और कोई फैब्रिक मैं बता नहीं सकती कौन सा फैब्रिक है, पर ये काफ़ी अच्छा सब सॉफ्ट सा मटेरियल है जो पहनने में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, मुझे अभी तक नहीं। तो मेरी बैक पेन करने लग जाती है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो आइटम है वो है आपका ये, नेक्स्ट जो आइटम है वो है आपका स्पा हेयर स्पा कैप, जो भी आपसे बोला जाए। तो ये हेयर स्पा के लिए है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। हालांकि हम मैं नहीं कह सकती, जो हम मशीन से हेयर स्पा को करते हैं तो उसका एक अलग ही फील होता है। ये आपके घर के लिए, मतलब घर पे जैसे कि हमें इंस्टेंट स्पा करने की ज़रूरत है या हम नहीं मार्केट पे जाके पैसा खर्च करना चाहते हैं तो हम इसको बाय कर सकते हैं।
इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसका स्विच पॉइंट वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कहीं से भी कटा फटा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी हैंडी है और ट्रैवल फ्रेंडली तो बहुत ही बढ़िया है ये। इसका मैं प्राइस बताऊंगी ना तो मेरे खुद के फ्यूज़ उड़ गए थे जब इसका मैंने प्राइस सुना, तो इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 125 रुपीज़, यानी 125 रुपये का ये मैंने बाय किया है, यानी 125 रुपये में आप अपने घर पे बैठ के हेयर स्पा कर सकते हैं। वाह, लिटरली वाह, हेयर स्पा तो चलता रहेगा पर हेयर स्पा के बाद जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, मैं बोल सकती हूँ कि एक लड़की के लिए या उन लोगों के लिए जिनके बैक में पेन होता है, स्टमक पेन होता है और अलग अलग बोन्स में पेन होता है, तो उन लोगों के लिए यही बैग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके साथ एक प्लग आता है जिसमें एक गर्म हो जाता है और आप जहाँ पे भी आपके पेन है वहाँ इसको रख सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस है ना, इसका कलर भी मुझे तो प्यारा है और इस पर जो कार्टून बने हुए हैं वो भी बहुत प्यारे से हैं। इसका जो प्राइस है ना, कोई और साइट पे अगर इसके हम प्राइस को देखते हैं तो बाकी साइट्स पे 200 से ऊपर का ही हमें मिलता है, पर यहाँ ये मुझे सिर्फ 150 रुपीज़ का ही मिला है और हो सकता है शायद ये इससे भी कम प्राइस का हो। जो भी प्राइस है वो मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शॉपिंग ऐप ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो इन सब मैंने सब बहुत अच्छा अच्छा बताया और ये इतना अच्छा है, इसका प्राइस बहुत अच्छा है, ये सारा अच्छा है, पर हर चीज़ अच्छी नहीं होती ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको डिसअपॉइंट करती हैं, जो सही नहीं है, उनके यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। तो एक बेडशीट मैंने बाय की थी, सिंगल बेड की ये बेडशीट है, देखने में बहुत कूल लग रही है, इसका कलर बहुत अच्छा है, काफ़ी ब्राइट सा इसका कलर है, पिल्लो भी इसके साथ आया, मतलब पिल्लो कवर भी इसके साथ आया है। इसका जो प्राइस है वो शायद 135 के अराउंड इसका प्राइस है, पर ये जो मैंने सोचा था कि कॉटन में इसका चादर या मटेरियल रहेगा तो वो कॉटन में नहीं है, वो पॉलिएस्टर भी नहीं है, एक अलग सा एक मटेरियल है जो जैसे हम खरीदते हैं, हम मतलब कुछ अजीब सा ही इसका मटेरियल है जो मुझे कोई भी पसंद नहीं है। बेडशीट पे तो ये बिल्कुल अच्छा भी लगता, मतलब बेड पे तो देखने में तो अच्छा लगता है पर सोते हैं ना तो एक अजीब सी ही चुभन सी वगैरह मतलब फील होती है, तो जो कॉटन में हमें नहीं देखने को मिलती, तो वो इसका मटेरियल है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्राइस वाइज ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सिंगल बेड के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बेडशीट के साथ आपको पिलो कवर मिल रहा है और क्या चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आप घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, घर पे बैठ के स्टीम तो घर पे बैठ के ही लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप स्टीम ले सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी पानी को ऐसे गर्म किए हुए, तो ऐसा सा स्टीम का एक आइटम आपको मिल जाए मार्केट में, बहुत सारे मिल जाएंगे, अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पर शॉपी से मैंने बहुत किफ़ायती मैं एक ये आइटम ख़रीदा है, ये आपका डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड का, मुझे ये पता नहीं इसका जो भी है, पर ये काफ़ी अच्छा स्टीमर है और हम सब ने बहुत इसको यूज़ किया है, मैं काफ़ी दिनों से इसका यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा गंदा सा भी हो गया। इसके साथ आता है यहाँ ये प्लग, इसमें पानी भर लेते हैं, जो भी आपको इस पर डालना है इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ ऑलरेडी। इसका जो प्राइस है स्टीमर का वो है शायद 149 रुपीज़, यानी 150 रुपये में आपको स्टीमर मिल जाता है और आप इसका रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी तक तो मुझे कोई डैमेज नहीं लगा क्योंकि तो मेरी स्लीपर हो गया है और यूज़ भी मैंने काफ़ी किया है, पर अभी तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। इन फ्यूचर तो देखा जाएगा ना, अब हर चीज़ की गारंटी थोड़ी ले सकता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। इयररिंग्स का ये पेयर है, इसके अंदर इयररिंग्स आए थे, मैंने अभी पहन रखे हैं इयररिंग्स, इतने बढ़िया है ये, काफ़ी लाइट है, देखने में काफ़ी अच्छे हैं, वो तो आपको दिख ही रहा होगा सामने से देखने पे, है ना। इसके साथ ही 6 पेयर्स थे ये, तो यहाँ पे 3 स्टड्स हैं, शायद एक खो दिया मैंने, एक ये रहा और ये 3 ये हैं,
मैंने डाला हुआ है, एक पूरा मोती का है, एक ये पूरा गोल्डन है और इसमें गोल्डन और पर्ल दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, इनकी अगर बात करूँ ना तो ये बहुत ही प्यारे से और बहुत सुंदर से है। इनकी प्राइस जो है वो जस्ट 120 रुपीज़ है। 120 रुपीज़ में आपको 6 पीसेस इयररिंग्स मिल रही हैं, इट्स अ गुड डील। बट चीज़ यहाँ पे गड़बड़ कर जाती है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया था जब हम झील गए थे देवी के दर्शन करने के लिए, तब मैंने इनको डाला था और इसको एक ही बार यूज़ किया है और इसका फेडेड यहाँ से होने लग गया है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये पॉलिथीन के अंदर रहेगा, इस केस के अंदर रहेगा, तब तक इसका गोल्डन जो है वो बचा रहेगा, वरना ये कुछ इस तरह से फेडेड हो जाता है। या हम बोल सकते हैं कि इनमें पानी अगर पड़ गया तो ये फेडेड हो जाएगा, क्योंकि दो दिन मैंने पहना था और शावर तो लिया था तो इस वजह से ये शायद ही फेड हो गए। तो इनको पहनो और जहाँ भी जाते हैं उसके बाद आके इनको उतार दो, तब तो ये चल जाएंगे, नहीं तो ये फेड हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ लग रहे हैं, अभी दिखाती हूँ ना दोनों, तो ये मैंने मंगाए थे और ये जो थे रुपीज़ जस्ट 75 के थे और मैंने आपको एक अपने ब्लॉग में इसको लगाना भी दिखाया था कि किस तरह से हम कुछ लगा सकते हैं एज अ होल्डर की तरह काम करते हैं। 4 पीस आए थे 75 रुपीज़ में, अलग अलग कलर के हैं, तो 2 मेरे रूम में लग रहे हैं, 2 बाहर लगे हुए हैं, तो काफ़ी मुझे काफ़ी काम आ रहे हैं ये फिलहाल, तो मुझे काफ़ी पसंद। ये कहना चाहती हूँ कि शॉपी जो था काफ़ी अच्छा था, मुझे नहीं पता हूँ कि क्या क्या रीज़न रहे होंगे इंडिया को छोड़ के जाने के, बट अगर वो इंडिया में, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था और उनके न्यूज़ वगैरह भी देखा है कि काफ़ी अच्छा ये ग्रो भी कर रहे थे, काफ़ी ऊपर तक ही जा रहे थे, पर आई डोंट नो क्या उनके माइंड दिमाग में आया और वो चले गए। ओके गाइस, तो ये ना मेरा वीडियो पूरा हॉल, शॉपी हॉल, तो आप लोगों को ये हॉल बहुत पसंद आया होगा मुझे पता है, और आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। इस टाइम भी रेड कलर का ही बटन है, इसको प्रेस कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस टाइम भी। बाय। प्रेम द प्याला पियो, मैं प्रेम द प्याला पी।